बेगूसराय में एक कलयुगी पति ने घरेलू विवाद को लेकर पत्थर से कुचलकर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और इससे भी मन नहीं भरा तब रेलवे ट्रैक पर लाश को फेंक दिया। शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर भागते पति पर जीआरपी की नज़र पड़ गई। फिर क्या था, जीआरपी ने खदेड़ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने का मामला बेगूसराय के सामने आया है। इस घटना में इलाके में सनसनी फैल गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की है। मृतका की पहचान 45 वर्षीय कुष्मा देवी के रूप में हुई, जो बैरोनी थाना क्षेत्र के पिपरा वार्ड संख्या 10 की रहने वाली थी। मृतका के पति राजेश सदा ने भी इसकी निर्मम हत्या की। बताया जाता है कि महिला के पहले पति उपेंद्र सदा की मौत के बाद उसने अपने देवर राजेश सदा से शादी कर ली थी। देवर से शादी करने के बाद अक्सर किसी न किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। कई बार तो यह विवाद मारपीट तक पहुंच जाती थी। दोनों के बीच का यह विवाद हत्या का रूप ले लिया। महिला के दूसरे पति और रिश्ते में देवर लगने वाले राजेश सदा ने घरेलू विवाद को लेकर उसकी पत्थर से कुचल कुचल कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या से भी मन नहीं भरा तब लाश को पीठ पर रखकर रेलवे ट्रैक की ओर निकल पड़ा, जहां रेलवे ट्रैक पर लाश को फेंक कर वह भागने लगा। लेकिन तभी जीआरपी की नज़र उस पर पड़ गई। जीआरपी ने उसे खदेड़ कर पकड़ा और उसे संबंधित थाने के हवाले किया। फिलहाल रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या का ऑर्डर कइला? हम अपना पत्नी पत्नी का कुसुम देवी आ तोहर नाम राजेश। हाँ राजेश राजेश पत्थर से दौड़ की करा ले रहे हैं बेस्ट स्टेशन पर। उधर खाना बनाए खाए ले लियो, तो हमरा गाड़ी दे लगले हमरा नहीं रहे। की नाम भेल तोरा?